हेलो गाइज, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्रेड के गुलाब जामुन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मावे के गुलाब जामुन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं, उसी तरह से ये भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जिस तरह से कि हम मावे के गुलाब जामुन का टेस्ट रहता है, वैसा ही इनका टेस्ट रहता है। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। यह हमने बनाने के लिए ब्रेड लिए हैं, यह हमने एक पैकेट ब्रेड का लिया है। तो इस तरह से जो इनके किनारे हैं उनको हम निकाल देंगे, इसी हम सारे ब्रेड के किनारे इसी तरह से निकाल लेंगे फ्रेंड्स चाकू से। अगर आपके पास पिज्जा कटर हो तो उससे निकाल लीजिए, उससे बहुत ही इजी तरीके से इसके किनारे निकल जाते हैं और काम भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक ब्रेड का किनारे निकाल लिए हैं, इसी तरह से हम बाकी के ब्रेड के किनारे भी निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने सारे ब्रेड के किनारे निकाले और जो किनारे निकाले इनको भी हम रख लेंगे, बाद में कोई डिश बना लेंगे चटपटी सी। तो यह हमने मिक्सी ग्राइंड लिया है, मिक्सी ग्राइंड में हम इस तरह से छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने ये छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी ग्राइंड में डाल लिए। अब हम इसको पीस लेंगे मिक्सी ग्राइंड में। यह हमने मिक्सी ग्राइंड में पीस लिए, अब हम इसको एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में हम चाशनी बनाएंगे पहले। तो जितनी हम शक्कर लेंगे उतना ही हम यहाँ पानी लेंगे, कि हम एक बाउल पानी डाल देंगे शक्कर में। शक्कर और पानी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ एक बाउल पानी डाला है, पानी और शक्कर को अच्छे से मिला लेंगे। हम 4 से 5 इलायची डाल देंगे, छिलके सहित ही हम यहाँ इलायची को डाल देंगे। आपके पास अगर केसर का धागा हो तो आप केसर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें गुलाब जामुन के लिए ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। इस तरह से हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। देखिए, हमारी चाशनी बन चुकी है। अब हम इसको ढककर रख देंगे, जब तक कि हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे तो इसको ढककर रख देंगे। तो ये हमने एक पैन लिया है, पैन में हमने दूध डाल दिया है। अभी हमें यह दूध को इस तरह से चलाते रहना है। तो हमें दूध को यहाँ तक ही पकाना है। इस तरह से दूध हो जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे। दूध को हमें इतना ही पकाना है। तो देखिए, हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ गैस को हमने ऑफ कर दिया है। अब जो हमने ब्रेड को जो पीस करके रखा था उसको हम इसी से आटा गूंथ लेंगे। हम इस तरह से थोड़ा सा डाल देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना, इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका डो लगा लेंगे। ये देखिए, हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो गीला हो जाएगा, इसलिए हम इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल करके डो लगा लेंगे। जिस तरह से हम मावे का गुलाब जामुन बनाते हैं उसका डो लगाते हैं, उसी तरह से हम इसका डो लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारा डो भी लगकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, हाथ का भी हम घी लगा लेंगे, इससे हमारे आटा हाथ के नहीं चिपकेगा और बर्तन के भी नहीं चिपकेगा और ये बहुत ही अच्छे से गूंथ कर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, हमने अच्छे से गूंथ लिया आटे को। तो यहाँ हमने आटा भी अच्छे से गूंथ लिया। अब हम इसके छोटे छोटे से बोल्स बनाएंगे, छोटे या बड़े अपने हिसाब से बोल्स बना लीजिए। या मैं छोटे छोटे बोल्स बनाऊंगी, या मैंने इस तरह से छोटे छोटे बोल्स बनाकर तैयार कर लूंगी। बोल्स बनाते समय ध्यान रखें कि बोल्स में कोई भी क्रैक्स ना रहे, इससे हमारे जब हम तेल में डालें तो गुलाब जामुन फटे ना, इसलिए इस तरह से हमें बोल्स को अच्छे से बनाना है। तो यह हमने सारे बोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, हमारे बोल्स अच्छे से बन चुके हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। यह हम सबसे पहले एक बोल्स फ्राई करके चेक कर लेंगे कि अगर इस तरह से एक बोल्स फ्राई करके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा बोल्स बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, एक बिल्कुल भी नहीं फटा है देखिए तेल में। अब हम बाकी के जो बोल्स हैं उनको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम एक एक करके सारे बोल्स डाल दिए कढ़ाई में और इस तरह से हम उनको पलट लेंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे बोल्स का कलर भी चेंज होने लगा है, तो हमारे अच्छे से बोल्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। बोल्स को निकालने के बाद हमें चाशनी में ही डालना है। चाशनी को हल्की सी गर्म ही रखनी है। मैंने यहाँ चाशनी को ढककर रख दिया था, तो चाशनी हमारी गर्म है अभी। तो इस तरह से हमें बोल्स को निकालते ही चाशनी में डाल देना। इसी तरह से जो हमारे बाकी के बोल्स हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। हमने गैस को बिल्कुल मीडियम रखा है। गुलाब जामुन फ्राई करते समय गैस को बिल्कुल ही लो रखना है फ्रेंड्स। ये गुलाब जामुन हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम गुलाब जामुन को निकाल लिया है और जो हमारे और बचे हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लिए हैं। फ्राई करने के बाद यहाँ हम गुलाब जामुन को चाशनी में इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ हमें चाशनी में इनको आधे घंटे तक अच्छे से डूबे हुए रहने देंगे, तो ये अच्छे से चाशनी में गुलाब जामुन अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो यहाँ हम इनको सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ब्रेड के गुलाब जामुन कितने अच्छे और कितने टेस्टी दिख रहे हैं। जितने ये दिखने में अच्छे हैं उतने ही खाने में भी बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स। आप भी अगर आपको अच्छी लगी हो रेसिपी तो आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।